यू विल फील कि कुछ एक कमरा तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत वहाँ पे कंफर्टेबल फील हो रहा है, आप आराम से बैठेंगे, पर दूसरे कमरे में जाकर ही आप का थोड़ा सा जी घबराएगा या आपको ठीक कंफर्टेबल नहीं फील होगा, इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। तो यानी कि वहाँ पे कुछ नेगेटिविटीज हैं। काइवा प्रोडक्शंस हेल्थ एंड फिटनेस सीरीज में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सॉल्ट थेरेपी और उसके फायदे के। सॉल्ट यानी नमक हमारी जिंदगी को बचपन से जब तक हम हैं तब तक जोड़ के रखता है। खाने में तो चाहिए ही चाहिए, पर उसके इस्तेमाल और तरह के भी होते हैं। जैसे कि एक पिछले एपिसोड में हमने बोला था ऑरा की बात, तो ऑरा ये बताया गया था कि हमारे इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी हम रोज जिंदगी में लेते हैं, सुबह से शाम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं लोगों से बात कर रहे हैं, कोई हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं, तो एक ऑरा लेकर हम चलते हैं और वो ऑरा हमारा परमानेंट नहीं होता। तो मैं अगर बहुत चिड़चिड़ा हूँ तो वैसे ही रहूँगा कई घंटों तक या हो सकता है अगले दिन तक भी। तो उसको और अगले दिन के लिए कैसे क्लियर करें, तो वहाँ भी नमक हमारे काम आएगा। सॉल्ट थेरेपी, नमक थेरेपी एक चीज है जो आप आजमाइए और आप खुश रहिए और यू विल फील द डिफरेंस। उसके यूज करने पे यू विल फील वेरी लूज, यू विल फील हैप्पी आल्सो, एंड इट इज वेरी वेरी होलिस्टिक। तो नमक का पहला फायदा ये है, आप अपने घर में हो सकता है शाम को आए या किसी के घर में जाए या किसी ऑफिस में जाए जो आपका रोज जाना होता है कहीं, तो यू विल फील कि कुछ एक कमरा तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत वहाँ पे कंफर्टेबल फील हो रहा है, आप आराम से बैठेंगे, पर दूसरे कमरे में जाकर ही आप का थोड़ा सा जी घबराएगा या आपको ठीक कंफर्टेबल नहीं फील होगा, इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। तो यानी कि वहाँ पे कुछ नेगेटिविटीज़ हैं किसी डायरेक्शन में कहीं पे, तो आपको नज़र तो नहीं आती नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिन्स, हो सकता कोई आया हो बाहर से, कुछ बातें ऐसे बोल कर गया हो वहाँ बैठ कर, तो वो चीज़ वहीं रह जाती है ठहर के, कमरे से तो बाहर नहीं जाएगी कहीं। तो इसमें आपने क्या करना है, एक ग्लास पानी, उसमें आप नमक लीजिए एक चम्मच या दो चम्मच, और किसी भी कोने में आप कमरे में आप रख दीजिए। ऐसा कोना होना चाहिए जहां से लोग आना जाना ना करें ताकि किसी का पैर ना लगे। आप इसको हर दूसरे दिन बदले, आप देखोगे आपके उस कमरे का जो है महक एक अलग ही होगा। हफ्ते भर आप यूज करो और आप देखना कि ये कमरा तो वैसा नहीं था कि जैसे मैंने पहले दिन फील किया था, ये जगह वैसे नहीं थी। पर आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी आप इस पानी को चेंज करेंगे एक दिन बाद या मैक्सिमम दो दिन बाद, आप इसको सिर्फ टॉयलेट के फ्लश में ही करेंगे, इसको गमले में नहीं देना, इसको कहीं और नहीं फेंकना, फर्श में नहीं फेंकना, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी होती है इस पानी में बहुत, और इसको अपना संभाल के आपने सिर्फ फ्लश आउट करना है। दोबारा फिर पानी लीजिए और उसमें दोबारा चम्मच दीजिए, उसी कोने में रखिए या किसी और कोने में रखिए जहाँ पे आपका आना जाना ना हो, और वो वैसे ही इग्नोर कीजिए, फिर आप चेंज कीजिए। आप एक हफ्ते तक इसको करेंगे और आप देखोगे सिर्फ वो वाला कमरा नहीं, आपके बाकी कमरे में भी जैसे हम धूप जलाते हैं कुछ, तो आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, इट इज़ लुकिंग वेरी गुड, और फ्रेशनेस भी होती है और एनर्जेटिक भी होती है, बिकॉज उसकी जो टॉक्सिसिटी है, जो उसकी जो टॉक्सिन्स है, जो नेगेटिविटी है, वो तो दूर हो रही है अपने आप इस चमत्कारी के लिए। अब वो तो ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपने अपने शरीर को, आपको दर्द हो रहा है आपके बाहों में या आपके घुटनों में या आपके गले में, आपको प्रॉब्लम है थ्रोट में, सर्दी जुकाम लग गई है, तो आप बगैर दवाई लिए नमक से आप कैसे ठीक कर सकते हो? आपको जहाँ पे दर्द हो रहा है आप उसको थोड़ा सा गीला कीजिए और उसके बाद नमक लेकर उसको रगड़ लीजिए उस जगह। अगर घुटनों में दर्द हो रहा है आप उसे थोड़ा गीला कीजिए और नमक कीजिए और उसे रगड़ लीजिए और फिर पानी से उसको वॉश ऑफ कर देना।
नहाने से पहले सबसे बढ़िया रहेगा आप इसको आजमाएं, एक तरीका ये है। दूसरा, आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं। सॉल्ट वाटर बाथ यानी कि आपने अगर टब में से पानी लेकर नहाना है तो टब के पानी में आप एक चुटकी नमक डाल दीजिए और उस पानी को आप इस्तेमाल कीजिए, पर ये ख्याल रहे कि आपके सिर में, बालों में, ये पोर्शन में नमक का पानी नहीं आना चाहिए, इसके नीचे आप ज़रूर लीजिएगा। और इसको आप डेली प्रैक्टिस करो, मेक इट अ हैबिट, और आप 30 दिन प्रैक्टिस करो, आप देखना आप में ज़्यादा फुर्तीला भी होगा, आपके दर्द भी खत्म कम हो जाएंगे। मैं एक ऐसे दोस्त को जानता हूँ जिसकी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी राइट आर्म में, और वो नमक की थेरेपी से अब वो अपना हाथ पूरा ऊपर कर सकता है। सो दोस्तों, इसको आप ज़रूर आजमाओ, नमक सिर्फ खाने में नहीं, और इसको इस तरह अपने बॉडी और अपने ऑरा को क्लीन करिए, अपने एरिया को क्लीन करिए, इट इज़ ऑन बेसिस ऑफ दैट। एक और भी तरीका होता है, जैसे आप किसी भी समय आप बैठो, चाहे अभी सर्दियों के दिन में आप गर्म पानी ले सकते हो, एक टप में आपने पानी रखा, उस पे आपने नमक डाल दिया, अपने दोनों पैरों को वहाँ पे आप दीजिए टप के अंदर, और आप मनी मन सोचिए कि आपके दर्द, आपके इर्द गिर्द टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, कुछ भी हो, जो भी चीज़ आपको अनकंफर्टेबल फील करती है, आपकी एंजाइटी, आपके सोच को, आपके परेशानियों को, आप ये सोचिए कि जैसे आप किसी झरने के नीचे बैठे हो और वो सारी जो नेगेटिविटी जो है आपको उस झरने के पानी के साथ नीचे आपके पैरों तले उस नमक के पानी के टप में जा रहा हो। तो आप जितनी देर चाहे उसमें ऐसी करके आप बैठिए और आप सिर्फ ये सोचिए कि एक बारिश का पानी या झरने का पानी आपके नेगेटिविटी, आपके दर्द को नीचे लेकर डिसॉल्व कर रहा है, आपके सारे वो दर्द दूर हो रहे हैं। और फिर से जब आप इसको कर लोगे, इसका पानी आप फिर फ्लश में डालिए और फिर जब भी दिल करे इसको आप आजमाइए, और आप देखेंगे कि ये सरप्राइज हो जाएंगे, बल्कि देखेंगे क्या ये आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे कि आपको इसको, इससे आपको कितना फ़ायदा मिला है। दूसरा एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे एज हीलर्स जो आप नहीं जानते होंगे, जब हम किसी को ऑल्टरनेट थेरेपी एनर्जी हीलिंग करते हैं तो हम एक बाउल में पानी रखते हैं और उसमें हम कुछ सॉल्ट डाल देते हैं, उसके बाद हम उसमें वो रख करके उसके बाद हम जो हैं उस जिनको हील करना है उनकी हीलिंग करते हैं। तो वो हीलिंग करके हम क्या कर रहे हैं, हीलिंग में स्वीपिंग करके, क्लींस करके उसकी नेगेटिविटी हम ले रहे हैं, पर वो नेगेटिविटी अगर ले तो वो उसको मेरे में आ जाएगी, तो इसलिए वो नेगेटिविटी को लेकर हम इसमें फेंकते हैं, इस बॉल ऑफ वाटर में। तो ये बॉल ऑफ वाटर जो है उस बंदे के, उस शख्स के नेगेटिविटी को ले लेता है और फिर इसको जाकर फिर हम फ्लश आउट कर देते हैं। सो दिस इज द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सॉल्ट थेरेपी, एंड देर आर प्लेसेस कि जहाँ पे ऐसे भी जगह बने हुए हैं कई बार जो रूम में सिर्फ सॉल्ट रखते हैं, वो बने इसीलिए सॉल्ट थेरेपी के लिए। आप वहाँ पे जाएं और अपने आपको सॉल्ट, आधे शरीर सॉल्ट में आप रख दीजिए और वहाँ से क्लीन होकर आप आइए। तो ये चीज़ जो है हमें अंदाज़ा नहीं है इसके महत्वपूर्ण फ़ायदों के, कि सॉल्ट जो है कितना जो नेचुरल इंग्रेडिएंट, उसको हम कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप उसमें नॉर्मल कुकिंग सॉल्ट ले सकते हैं, सेंधा नमक ले सकते हैं, या अगर आपको मिले तो आप सी सॉल्ट भी ले सकते हैं। सी सॉल्ट बहुत अच्छा है, हिमालयन सॉल्ट बहुत अच्छा है, सेंधा नमक अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो कुछ भी अगर आपको सॉल्ट मिले, आज से ही स्टार्ट कीजिए एंड यू सी द वंडरफुल इफेक्ट ऑफ इट। सो दोस्तों, काइवा प्रोडक्शंस के साथ आप जुड़े रहिए, ये आपके हेल्थ के लिए है, वेलनेस के लिए, होलिस्टिक फिटनेस के लिए है, और अपने में बहुत यूनिक है। आप हर एक एपिसोड ज़रूर देखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि हर एक एपिसोड में हम जो है यहाँ पे अलग ही बातें करते हैं जो शायद आपके नज़रिए में ना भी हो,
और दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन सजेशन आपके बिजी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने के लिए. सो यू मस्ट ऑलवेज सी काइवा प्रोडक्शंस. एवरी एपिसोड वी प्रॉमिस यू दैट यू विल बी बेनिफिटेड. थैंक यू सो मच. शुक्रिया.